आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दिल्ली और जयपुर के बहुत ही मशहूर रेसिपी मटर कुलचे की, जो कि ठेले पर स्पेशली वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है और सर्दी के मौसम में तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। किसी भी तरह की चाट पकौड़ी हो, सर्दी के मौसम में चटपटा खाना खाने का मन तो सभी का करता है। तो आज हम एक एक स्टेप को देखते हुए बिल्कुल ठेले वाली स्टाइल में ये मटर कुलचे बनाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो मटर हैं वो सूख करके रखने हैं। तो ये इस तरीके की जो वटाना आता है, जो कि सूखा मटर जिसे बोलते हैं, 7 से 8 घंटे के लिए मैंने इसे पानी में भिगो के रख दिया था। भिगोने से ये क्वांटिटी में डबल हो जाएगा, कलर में भी लाइट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये ग्रीन कलर के भी आते हैं, वाइट कलर के भी आते हैं, तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से होते हैं ये छोटे छोटे से, और जितने आप भिगोएंगे उसके डबल ये क्वांटिटी में हो जाएंगे। तो इसे हमने भिगो दिया था और अब हमें इसे प्रेशर कुक करना है। जैसे छोले हम बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही ये बनेंगे। अगर आपको ये ना मिले तो आप छोले कुलचे भी बना सकते हैं, मतलब मटर की जगह छोले का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 बार अच्छे से इसे थोड़ा सा पानी से वॉश कर लेंगे, उसके बाद इसकी हमें सीटी लेनी है। तो इसे अब मैं प्रेशर कुकर के अंदर डाल रही हूँ और साथ ही में हमें ये डूब जाए उतना पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे और इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल करके इसको सीटी लेने के लिए रख देना है। तो तब तक हमें इसकी सीटी लेनी है जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट और थोड़े से मशी कंसिस्टेंसी के नहीं हो जाते। एक सीटी तेज पर ले लेंगे, उसके बाद गैस की आंच को धीमे कर देंगे और जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे 5 से 6 सीटी और आने देंगे। उसके बाद प्रेशर कुकर को ठंडा करके चेक करेंगे। तब तक हम यहाँ पर कुलचे बनाने की भी तैयारी कर लेंगे। तो कुलचे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1/2 कप गुनगुना पानी लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून चीनी। चीनी को अच्छे से घोल लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे एक्टिव ड्राई यीस्ट। तो यहाँ पर 2 टीस्पून एक्टिव यीस्ट का इस्तेमाल मैंने किया है। यीस्ट वाले कुलचे बनाएंगे तो कुलचे काफ़ी ज़्यादा फ्लफी और बिल्कुल ब्रेड के जैसे बनेंगे, तो खाने में अच्छे लगते हैं। और इसे इसमें मिक्स कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढक करके थोड़ा सा फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ही हम इसे मैदे में मिक्स करेंगे। तब तक यहाँ पर हम 2 कप मैदे के अंदर मिल्क पाउडर डाल देंगे 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून नमक या स्वादानुसार नमक डाल करके इसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारा जो यीस्ट का मिक्सचर है कितना अच्छे से फर्मेंट हो गया है। इस तरीके के झाग अगर आ जाए उसके बाद ही आपको इसे यूज करना है, वरना आपका जो यीस्ट है वो पुराना है या डेड है। तो अब मैं इस यीस्ट वाले मिक्सचर को मैदे के अंदर डाल दूंगी और थोड़ा पानी ज़रूरत होगी तो और हम ऐड करेंगे और इसका एकदम सॉफ्ट लचीला डो बना करके हमें तैयार करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा चिपचिपा डो आपको लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसे गूंदेंगे उसके बाद उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल चिपकना बंद कर देगा। तो पहले तो हम इसे बोल में एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद किचन काउंटर पर लेकर के इसे बहुत अच्छे से हमें 10 से 15 मिनट के लिए मसल मसल के नीट करना है। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसमें आप पानी और ऐड कर सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून बटर मैं इसमें लगा रही हूँ, आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और बस अब हमें इसे इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए बहुत अच्छे से गूंद लेना है। जितना ज़्यादा आप इसे स्ट्रेच करेंगे उतना ही आपकी डो की इलास्टिसिटी बढ़ेगी और आपका जो कुलचा है वो उतना ही ज़्यादा मार्केट के जैसा बिल्कुल अच्छा बनके तैयार होगा। तो देखिए धीरे धीरे इसमें इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर हो गया है, चिपकना बिल्कुल बंद हो गया है। तो इसे अब हम फर्मेंट होने के लिए इस बोल के अंदर रख लेंगे। तो थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसके बाद इसे रखेंगे और कवर करके इसे 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे। धूप में नहीं रखना है, लेकिन जहाँ पर आपके किचन में गर्माश हो वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप इसे किसी कंबल या शॉल में लपेट के भी रख सकते हैं, जिससे कि जो आपका डो है वो घंटे भर में बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, या ये जब तक डबल ना हो तब तक इसे रहने दें। और यहाँ पर साथ ही में मैं इमली का खट्टा पानी बना रही हूँ। तो 15-20 मिनट के लिए इमली को मैंने पानी में भिगो के रखा, जिससे कि इमली कुछ इस तरीके से सॉफ्ट हो गई। तो थोड़ी सी इमली ही ली है मैंने, आप जितना पानी चाहें उतना बना सकते हैं। तो इसे हाथों से हम इस तरीके से मसल देंगे या फिर मिक्सर जार में भी इसे चला सकते हैं। तो अगर बीजे हैं तो उन्हें निकाल दें, उसके बाद इसे इस तरीके से छान लें। तो जो खट्टा पानी है वो भी बनके हमारा तैयार हो गया है इमली का। तो इसे हम साइड में रख लेंगे और अब एक बहुत ही टेस्टी सा मसाला बना के तैयार कर लेंगे, जो कि हमारे मटर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमें काला नमक लेना है, काली मिर्च लेनी है, भुने हुए जीरे का पाउडर लेना है, धनिया पाउडर लेना है, चाट मसाला लेना है और साथ ही में यहाँ पर हमें लेनी है लाल मिर्च
और इन सब को एक बार मिक्सर जार में पीस लेना है। सफ़ेद नमक का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है क्योंकि हमने मटर बॉईल करने में भी डाला था, तो ज़रूरत होगी तो उस हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे बाद में। तो ये हमारा जो पाउडर है वो बनके तैयार हो गया है, मसाला जो कि हमें मटर कुलचे को एक बहुत ही अच्छा लेवल वाला टेस्ट देने वाला है। तो इसे भी हम रख सकते हैं पहले से बना करके, और सेम जार में यहाँ पर धनिया पुदीने की बहुत ही टेस्टी चटनी बना लेंगे। तो फ्रेश धनिया लिया है, जितना धनिया है उसकी आधा हमें यहाँ पर पुदीना लेना है, और अच्छी स्पाइसी वाली 2 हरी मिर्च मैंने ली है, और अदरक का टुकड़ा लिया है थोड़ा सा, और इसमें नमक डाल देंगे स्वादानुसार, और 2 बर्फ के टुकड़े डाल करके हम इसे पीस लेंगे। आप ठंडा पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे करने से हमारी जो चटनी है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन रहती है। तो अच्छे से इसकी चटनी बना के भी हमने यहाँ पर तैयार कर ली है। तो चटनी बन गई, मसाला बन गया, इमली का पानी भी बन गया, और अब हम प्रेशर कुकर को भी चेक कर लेंगे, हमारे जो मटर हमने चढ़ाए थे प्रेशर कुक करने के लिए वो भी अच्छे से सॉफ्ट हुए या नहीं। ये देखिए इस तरीके से एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। ये हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, आप हल्दी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इसको दबा करके चेक करेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है ये, तो ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अभी इसमें पानी कम हो गया है तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। जितना ज़्यादा ये उबलेगा उतना ज़्यादा इसमें से स्टार्च रिलीज होगा और अच्छा गाढ़ापन इसके अंदर आएगा, और पानी ज़्यादा हो गया है तो आप उसे उबाल करके पानी को थोड़ा रिड्यूस कर लें। तो जो डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी है वो हम अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें अब हम उबाल आने देंगे, और ये देखिए कुलचे बनाने के लिए जो हमारा डो है घंटे भर में ये भी बहुत अच्छे से रेस्ट हो गया है, कितना फ्लफी हो गया है। तो एक बार इसको पंच करके इसकी सारी हवा निकाल देंगे, और इसे हल्का सा कुछ देर के लिए फिर से थोड़ा सा गूंद लेंगे, और फिर इसके बाद इसके पेड़े बना करके हम इसके कुलचे तैयार कर लेंगे। तो देखिए डो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए तभी कुलचे जो हैं वो अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे, नहीं तो कुलचे जो हैं ड्राई हो जाएंगे। तो इस तरीके से जिस साइज़ के आपको कुलचे बनाने हैं इसके पेड़े निकाल लें और अंदर की तरफ टक करते जाएं, और फिर इसे हमें एक बार तो सारे हम पेड़े बना करके गीले कपड़े से ढक करके रख देंगे, उसके बाद हम एक एक कुलचे को बेलते जाएंगे और फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो छोटे छोटे कुलचे बना सकते हैं या लंबे लंबे कुलचे भी बना सकते हैं, तो मैं थोड़ा लंबे कुलचे बना रही हूँ जैसा कि ठेले पर मिलता है। तो थोड़ा सा सूखा मैदा इस पर डस्ट करेंगे चकले पर, और हम इसे बेल करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कुलचा बना लिया है, तो इसे अब मैं यहाँ पर प्लेट में रख रही हूँ, और इसी तरह से हम सारे कुलचे बना करके पहले एक बार रेडी कर लेंगे और इन्हें ढक करके रख देंगे ताकि ये थोड़े से फूल जाएंगे, उसके बाद हम इन्हें सेकेंगे। तो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं बनाने हैं, 10 मिनट के लिए आप हल्के गीले कपड़े से इन्हें ढक करके छोड़ दें। और ये देखिए 10 मिनट के बाद कुलचे थोड़े से फ्लफी हो गए हैं, आप देख सकते हैं हल्के से फूल गए हैं, और अब हम इन्हें गरम तवे पर सेक देंगे। तो तवे को यहाँ पर पहले ही गरम कर लिया है, एकदम धीमी आँच रखनी है, बिल्कुल तेज आँच पर नहीं सेकना है इन्हें। तो इस तरीके से आप ये जो प्रिपरेशन है चाहे तो एक दिन पहले भी करके रख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कुलचे बनाने हैं तो, और इसे ढक्कन से ढक देंगे ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो रिटेन रहे और कुलचे जो हैं वो सॉफ्ट ही रहें। चाहे तो थोड़ा थोड़ा पानी भी आप आसपास छिड़क सकते हैं, और जब ये एक तरफ से हो जाएगा हल्का हल्का तब इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही ब्राउन स्पॉट आने देंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे जब इसे कपड़े से दबाएंगे तो ये फूलने लगेगा रोटी की तरह। तो अब मैं इसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर रही हूँ, और ये देखिए इस तरीके से रोटी के जैसे ये फूलने लगा है। तो बिल्कुल बढ़िया कुलचा हमारा एक बार बनके तैयार हो गया है, जब हम इसे सर्व करेंगे उस टाइम पर इसे बटर से टोस्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम सारे कुलचे बना करके एक कॉटन के कपड़े में लेते जाएंगे और इन्हें रखते जाएंगे। तो ये कुलचे हैं जो 1 से 2 दिन तक ख़राब नहीं होते हैं, आप बना करके रख सकते हैं, तो जब भी आपको खाने हों आप इन्हें गर्म करें और खा सकते हैं। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट कुलचे बनके बिल्कुल रेडी हैं इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर सारे कुलचे बना लिए हैं, लगभग 8 से 9 कुलचे बनके तैयार हुए हैं, और अब हम यहाँ पर फटाफट से मटर बना लेंगे। तो बिल्कुल ठेले वाली स्टाइल में ही मैं उसे बनाऊंगी, तो भगोनी लेंगे उसके अंदर गर्मा गर्म जो मटर हमने बॉईल करे हुए हैं इसे डालेंगे, और इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्ची, अदरक के लच्छे, ये सब डालेंगे जैसा कि बिल्कुल ठेले वाले बनाते हैं फटाफट से। और जो इमली का खट्टा पानी है
और हरी चटनी जो आपने बनाई है और साथ ही में जो स्पेशल मसाला बनाया है मटर कुलचे का, वो भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक की ज़रूरत लगेगी तो नमक आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो जितनी प्लेट आपको बनानी है उस हिसाब से आप यहाँ पर ये बना सकते हैं या ये सारा मिक्सचर बना करके रख भी सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक प्लेट के हिसाब से ही मैंने अभी ये बनाया है, बाकी सारा कुकर में ही पड़ा है मटर बॉईल किया हुआ, तो जब ज़रूरत होगी तब मैं और बना लूँगी। और ये देखिए, देखते ही मुँह में पानी आ गया है, इतना टेस्टी बना है ना ये। और आप सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके ही बनाएंगे तो ही उसमें ठेले वाला जो स्वाद है वो आएगा। और इस अब तो यहाँ पर अब हम गरम तवे के ऊपर बटर लगा करके कुलचों को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो एक बार में दो कुलचे इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के हम बटर में टोस्ट कर लेंगे। तो है ना कितनी आसान सी रेसिपी, घर पे बिल्कुल ठेले वाली स्टाइल में आप मटर कुलचे बना करके एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको सर्दी के मौसम में बाहर जाने का मन नहीं है तो घर पे भी आप इसे बना सकते हैं। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।